हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंडशिप डे आने वाला है और हम सब फ्रेंडशिप बैंड मार्केट से खरीदते हैं। तो इस बार हम मार्केट से ना खरीद के खुद बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो जो मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ बिना देरी करते हुए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले वूल लिया है, साथ ही हम लेंगे पर्ल और एक टेप। तो हम सबसे पहले वूल ले लेंगे और इसमें हमने सुई फंसा ली है। अब सुई की हेल्प से हम जितनी पर्ल लिए हैं उसको सब इसमें लगा लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वूल रहेगा उसे हम कट कर लेते हैं। और अब हम लेंगे एक डबल फोल्ड किया हुआ वूल, इसे हम जिसमें पर्ल लगाए थे उसमें बांध लेते हैं। अब हमें इसे टाइट करना है, सो हम टेप लगा लेते हैं इसमें। अब जिस थ्रेड पे हमने पर्ल लगाया है उसे हम मिडिल में लगा लेंगे और बाकी दोनों को साइड पे। और अब हम कुछ इस तरह का इसमें पैटर्न बनाते जाएंगे। हम यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स पैटर्न बना लेंगे दोनों साइड पे। उसके बाद फिर हम एक पर्ल लेंगे और उसे आगे की ओर लगा के और फिर वापस पैटर्न बनाएंगे। इसी तरह हम 1 by 1 सारी पर्ल लगाते जाएंगे और साथ ही उनके पैटर्न बनाते जाएंगे। ये हमने सारी पर्ल लगा ली है। अब इसे वापस से थोड़ा नीचे की ओर पैटर्न बना लेंगे ताकि ये लॉक भी हो जाए। अब हम इसका टेप निकाल लेते हैं और जिसका एक्स्ट्रा वूल रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बैंड रेडी हो गया है, था ना ये बहुत इजी। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने डबल फोल्ड किया हुआ वूल लिया है और इसे दोनों साइड से हम टाइट कर लेंगे। अब हम सेम कलर का वूल लेंगे और इसे नीचे की ओर लगा लेंगे। और इस बार हमने यहाँ पे दूसरा पैटर्न यूज़ किया है। पहले तो हम एक नोट लगा लेते हैं और अब पैटर्न बनाएंगे। कुछ पैटर्न बन जाने के बाद अब हमने जो वूल टाइट किया था उसे ही लेंगे और उसमें कुछ पर्ल लगा लेते हैं। दोनों साइड पे पर्ल लग जाने के बाद अब जो साइड का वूल है उसे हम पर्ल के चारों ओर इस तरह से राउंड करते जाएंगे। इसे एंड में लाके हम एक नोट लगा लेंगे ताकि ये लूज ना हो। अब जो ऊपर में दूसरे साइड का वूल रह गया है उसे भी हम सेम इसी तरह से राउंड करते जाएंगे। अब लास्ट में हम इसमें भी नोट लगा लेते हैं। अब वापस से इसमें कुछ पैटर्न बना लेते हैं, सेम पैटर्न ही बनाना है इसमें हमें। पैटर्न बन जाने के बाद एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर लेते हैं। दोनों किनारों पे एक नोट लगा लेते हैं।
अब हम दोनों किनारों पे सुई लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से सुई लगाई है, सो अब दोनों साइड पे एक एक पर्ल लगा लेंगे। पर्ल लग जाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को कट आउट कर देंगे और दोनों साइड पे वापस एक एक नोट लगा लेंगे। सो ये हमारा सेकेंड बैंड भी रेडी हो गया है। था ना ये बहुत ही इजी और सुंदर भी। तो चलिए हम थर्ड बनाते हैं। इसके लिए हमने एक वुल लिया है, यहाँ पे हमने सिंगल लेयर का वुल लिया है और इसे एक साइड पे हम टेप लगा लेंगे। अब हमने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पर्ल लिया है, इसे हम सुई की हेल्प से वुल में लगा लेंगे। इसे हम मिडिल में लगा लेंगे और अब वापस से किनारों में हम ब्लैक एंड व्हाइट मोती लगा लेते हैं। पर्ल लग जाने के बाद अब इसे किनारों में हम नोट लगा लेंगे। दोनों साइड पे पर्ल लग जाने के बाद अब हम इसका लॉक सिस्टम बनाएंगे। इसके लिए हम पहले दोनों साइड को टाइट कर लेते हैं। अब हम लेंगे डबल लेयर वुल, इसे हम इसके बीच में इस तरह से लगा लेंगे। अंदर की ओर से हमें थ्रेड लेना है और पहले एक नोट लगा लें। अब इसमें हम वापस से सेम पैटर्न बनाते जाएंगे। पैटर्न बन जाने के बाद एक्स्ट्रा वुल को कट कर लेंगे और जो हमने टेप लगाया था उसे भी यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉक सिस्टम बन गया है, आप इसे इजीली निकाल और पहन सकते हैं। अब जो हमने वुल कट किया था उसे चिपका लेते हैं ताकि वो निकले ना। सो ये हमारा थर्ड बैंड भी रेडी हो गया है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। और जो मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।